दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वो टॉप 5 बैड हैबिट्स यू शुड स्टॉप राइट नाउ एंड आई एम श्योर कि ये सारी बातें आप समझ लेंगे तो काफी बेनिफिट होगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप एक सक्सेसफुल यूट्यूबर, एफिलिएट मार्केटर या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग में कोर्स करना चाहते हैं तो हमारा नया कोर्स लॉन्च हो चुका है। दिए हुए फोन नंबर पे आप कॉल करके सारी डिटेल पता कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पे जाके उसकी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों नंबर 1 पे आता है कि लिविंग फॉर द वीकेंड। मोस्टली क्या होता है हमारे साथ, जब हम स्टूडेंट है, जैसे ही सैटरडे आ गया, भाई सैटरडे और संडे नहीं पढ़ने, क्यों? घूमने का प्लान है, कहीं जाना है। और अगर आप कहीं नहीं भी जाते ना, फिर भी माइंड में रहता है भाई संडे आज कौन पढ़ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि यस के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश एवरी सैटरडे और संडे अपना वीकेंड का टाइम जो था उनके पास, उसे यूज करके अपने पैशन को फॉलो किया और 3 times एकेडमिक विनर रहे अपने पेंटिंग वाले पैशन में। और दोस्तों नेक्स्ट है कंपेयर योरसेल्फ। शेक्सपियर कहते हैं कि आई ऑलवेज फील हैप्पी, यू नो व्हाई? बिकॉज आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। क्योंकि मैं किसी दूसरे से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखता कि मुझे वहां से कुछ मिलेगा या फिर उससे कुछ बात बनेगी या वो मेरी बात मान लेगा, मैं ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन रखता ही नहीं। नेक्स्ट कहते हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑलवेज हर्ट। जब आप किसी से एक्सपेक्टेशन रखते हैं और वो चीज़ पूरी नहीं होती तो वहां पे आपका दिल दुखता है। लाइफ इज शॉर्ट, जिंदगी बहुत छोटी है, सो लव योर लाइफ। अपनी जिंदगी से प्यार करिए, बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। हमेशा खुश रहिए और लोगों को खुश रखिए। जस्ट लीव फॉर योरसेल्फ, यू नो उन्होंने कहा कि बिफोर यू स्पीक जस्ट लिसन, बोलने से पहले सुनिए, बिफोर यू राइट थिंक, लिखने से पहले समझिए, बिफोर यू स्पेंड अर्न, खर्च करने से पहले कमाइए, एंड बिफोर यू प्रे फॉरगिव। किसी से एक्सपेक्टेशन रखने की कि ये मुझे माफ कर देगा, उससे पहले माफ करने की आदत डालिए। बिफोर यू हर्ट फील, किसी को दिल दुखाने से पहले उस चीज को समझिए, एंड बिफोर यू हेट लव, किसी से नफरत करने से पहले प्यार करना सीखिए। एंड द लास्ट एंड वन ऑफ द बेस्ट लाइन जो उन्होंने कही कि बिफोर यू क्विट ट्राई एंड बिफोर यू डाई जस्ट लीव। छोड़ने से पहले एक बार ट्राई तो करिए और मरने से पहले जीना तो सीखिए। एंड नेक्स्ट है सेटिस्फाइड। लाइफ में कभी भी सेटिस्फाइड मत होइए। आई एम श्योर जब आपको लगता है कि हाँ यार ये चीज तो मैंने अचीव कर ली, उस दिन आप में ईगो आना स्टार्ट हो जाएगा। आप हर एक के सामने अपने आप को ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे जैसे यू आर द राइट पर्सन और आप उस चीज के बारे में सब जानते हैं और बाकी किसी को कुछ भी नहीं मालूम। और ये एक्चुअल में दिस इज अ बैड थिंग अबाउट योर लाइफ। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि हाँ जो मुझे चाहिए मैंने अचीव कर लिया, आप में ईगो आने लगेगा, लोग आपसे दूर होने लगेंगे। जो आपके अपने हैं वो आपको उतना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि उनको ये लगता है कि जब वो आपके सामने आएंगे या तो उनकी बेइज्जती होगी या फिर आप उनको कुछ ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं कि लगता है अरे यार ये हमेशा अपनी तारीफ ही करता रहता है। और एज कम्पेयर टू अगर वहीं पे आप ये बिहेवियर रखेंगे, अनसेटिस्फाइड लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद आपने पहली बार सुना होगा या पहले भी, अनसेटिस्फाइड होना बहुत जरूरी है। उस टाइम आप में ईगो नहीं आता, आपको लगता है कि अभी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है मुझे। और अगर तुम ऐसा सोचते हो कि तुम किसी से बड़े हो और सामने वाला छोटा है, और ये रियलिटी भी है, आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, सपोज दैट योर बैंक अकाउंट इज लाइक गेटिंग 2 crore rupees और सामने वाले के अकाउंट में सिर्फ 50,000 है, तब भी मैं जानता हूं कि उसके पास कुछ ऐसी चीजें होंगी जो वो अपने मन में बोल सकता है आपके बारे में कि अबे चल इसके पास ये सारी चीजें थोड़ी हैं, अबे ये कर थोड़ी लेगा। और आप चाहे कितना भी सोच लेंगे अबे ये क्या कर लेगा 50,000 वाला, अपने पास 2 crore rupees नहीं। हर एक के पास कुछ ना कुछ ऐसा तो होता ही है जो आपको वो नीचा दिखा दे, आपसे वो बड़ा अपने आप को फील करे, ये रियलिटी है। और नेक्स्ट है स्टॉप लर्निंग। मोस्ट ऑफ द टाइम होता है हमें कि अरे यार मेरे पास समय नहीं मिलता नई चीज कुछ सीखने का, या फिर मेरे पास अब इतना टाइम नहीं है, लोग हैं मेरे पास वो कर लेंगे। इट्स गुड अगर एक बार को सोचे कि ठीक है आप अपनी चीजों में फोकस कर रहे हैं, बाकी के लोग बाकी सारे काम करेंगे, ये बात राइट है, लेकिन आपको भी उस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। बिल गेट्स कहते हैं कि मैं आज भी एवरी वीक एक किताब पढ़ता हूँ। तो ये रियलिटी है, चाहे बुक्स हो, टेक्नोलॉजी हो, कुछ सीखना हो, जिस चीज में आपका मन करता है, दे हैव अ सेवरल प्लेटफॉर्म, यूट्यूब है हमारे पास, गूगल है, सारी चीजें हैं, आप किसी चीज के बारे में सर्च कर सकते हैं। दे हैव सो मेनी एक्सपर्ट ऑफ दीज प्रोडक्ट एंड दीज थिंग्स दीज कोर्स, सब चीजों के बारे में इतने सारे लोग हैं, उनसे आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। तो लाइफ में सीखना बंद मत करिए, हमेशा एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी क्वार्टर, हर 3 महीने बाद, साल में 4 quarters होते हैं। आप अगर आप एक सिस्टमेटिक प्लान में भी करेंगे ना कि हर बार हर साल मुझे 4 चीजें नई सीखनी है, तो आई एम श्योर कि 2-3 साल बाद इतना तो आप में आ जाएगा कि कहीं भी आप बैठेंगे तो लोग आपको सम्मान की नजरों से देखेंगे, अरे यार तुम्हें ये भी आता है। दैट टाइम यू विल प्राउड कि हाँ यार वो समय मैंने अपनी चीज में लगाया। दैट टाइम यू विल प्राउड कि हाँ यार वो चीज मैंने, वो समय मैंने उस चीज में दिया, आज ये मुझे फील गुड करा रहा है, तो वो बहुत बेटर इम्पैक्ट करता है। और नेक्स्ट है कि लाइफ में कभी भी कोई भी ऐसा लाइक डिसीजन, एक्शन या कोई प्लान ऐसा मत करिए जो इजी हो, क्योंकि स्टीव जॉब्स कहते हैं कि सिंपल कैन बी हार्डर एंड देन कॉम्प्लेक्स। यू हैव टू वर्क हार्ड टू गेट योर थिंक, यू हैव टू वर्क हार्ड टू गेट योर थिंकिंग क्लीन टू मेक इट सिंपल। उस हार्ड वर्क को अपने आइडियाज के थ्रू सिंपल बनाइए, बट इट्स वर्थ इट एंड ऑफ द, बिकॉज वंस यू गेट देयर यू कैन मूव माउंटेन। और लास्ट में कि जब भी टाइम मिले तो विद फैमिली, बीइंग एवरीवन, लाइक
जो आप हैं वो बन के जरूर दिखाइए लोगों के सामने। क्योंकि क्रिस्टीन रोनाल्डो कहते हैं कि व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था, आई टोल्ड माय डैड, मैंने अपने पिताजी से कहा कि वी आर गोइंग टू बी रिच एंड वी आर गोइंग टू हैव अ बिग हाउस, कि एक दिन ऐसा आएगा जब हम बहुत अमीर बनेंगे और हमारे पास बहुत बड़ा घर होगा। देन ही सेड, मेरे पिताजी ने कहा कि सन दैट इज इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता। टुडे आई हैव वॉन्ट, टुडे आई हैव व्हाट आई सेड टू माय फादर, आज मेरे पास वो सारी चीजें हैं जो मैंने अपने पिताजी से कही थी, बट आई डोंट हैव माय फादर। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए, और आप चाहते हैं अर्न डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स लेना तो निधि हुए नंबर पे कॉल करिए, डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक है, डिटेल पे जाके चेक करिए, वेबसाइट पे जाइए। एंड आई एम श्योर कि ये वो वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है जिसे आप करने के बाद, और वो सारी फैसिलिटीज जो सर्विसेज मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स आगे बढ़े, वो भी अपनी लाइफ में कुछ अचीव करें, पैसा कमाएं, नेम फेम सब कुछ जो वो करना चाहते हैं, अपनी हॉबी को परस्यू करें, इन्हीं चीजों के लिए वो सारे कोर्सेज मैंने बनाए हैं, और बहुत ही बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट पे मैंने आप सबके लिए सामने लेके आया हूं। उसे जाइए, दिए नंबर पे कॉल करिए, वेबसाइट पे जाके चेक करिए, और हमसे पूछिए कि कोई डाउट्स है तो। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।